हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नई वीडियो में। अगर आप भी ये चीजें जानना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। सो लेट्स डाइव इन द वीडियो। और भाई, क्या तूने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया? कल मैम कॉपी चेक करेगी। नहीं यार, अभी तो नहीं किया। पापा की खेती में थोड़ी मदद कर रहा था। ओ हाँ, अब घर जाके करूँगा होमवर्क। तूने कर लिया? नहीं, अभी बस आधा किया था और मेरा पेन खत्म हो गया था, इसलिए नया लेने जा रहा हूँ। वैसे क्या तुझे ये बात पता है, दुनिया में एक पेन ऐसा भी है जिसमें छोटे छोटे वॉर्म भरे होते हैं। वॉर्म? पर पेन में तो इंक होता है ना, तो वॉर्म से कैसे लिखेंगे? नहीं भाई, पेन में इंक भी होता है और ऊपर की तरफ एक फ्लूइड होता है जिसमें वॉर्म्स होते हैं, वो भी जिंदा, और उसके अंदर का टेम्परेचर भी उनको ज्यादा से ज्यादा समय तक जिंदा रखने के अनुकूल होता है। सही है यार। और सिर्फ यही नहीं, इन वॉर्म को हम खेती में भी यूज कर सकते हैं ताकि मिट्टी और ज्यादा उपजाऊ हो जाए। पर ये बनाया किसने? इस पेन को जापान की एक कंपनी ने बनाया था, और जब हम इस पेन से लिखते हैं तो ये देखने में और ज्यादा अच्छा लगता है। क्या बात है यार, वैसे इसका प्राइस कितना होगा? भाई महंगा है, एक पेन 540 रुपए के बराबर है। ऐसा एक पेन तो मैं भी डिजर्व करता हूँ। मैम, क्या आपने बुलाया? हाँ, पर ये तुम्हारा फेस क्यों लाल हो गया है? अरे मैम, वो मैं क्लास में सो गया था तो बाकी बच्चों ने मेरे फेस पर पेंट कर दिया, और तब से सब मुझे रेड हल्क कहकर बुला रहे हैं। अच्छा, उनको मैं बाद में बताऊंगी, पहले तुम यहाँ बैठो। मैंने अभी आपके क्लास के एग्जाम आंसर्स चेक किए। हाँ तो? क्या हाँ तो? बेटा टीचर से कैसे बात करे आपको पता नहीं क्या? ओ सॉरी मैम। हाँ तो मैं ये कह रही थी कि आपने एक इजी क्वेश्चन का गलत जवाब दिया है। मैम किस क्वेश्चन का? यही कि केसर इतना महंगा क्यों होता है। हाँ मैम, मैं ये भूल गया था, आप एक बार फिर बता दो। बिल्कुल, तो सुनो, केसर इसलिए महंगा होता है क्योंकि केसर कांगोवा फूल के स्टिग्मा से प्राप्त किया जाता है, और इसका प्राप्त करना काफी मेहनत से और समय की मांग करता है। हर किलो केसर के लिए हजारों फूलों की आवश्यकता होती है, और इसकी कटाई बर्फीले या ठंडे मौसम में होती है जिससे इसका मूल्य बढ़ जाता है। इसके साथ ही केसर का उत्पादन केवल कुछ क्षेत्रों में होता है जैसे कि कश्मीर और ईरान, इसके कारण इसकी आपूर्ति सीमित होती है और मूल्य में वृद्धि होती है। थैंक यू सो मच मैम। अच्छा भाई सुन, चुप कर बे कुत्ते। हाँ बोल। मुझे शाम को अपने लिए जूते लेने जाना है, तो क्या तू चलेगा साथ में? नहीं। ये बात बात पर तेरी आवाज कैसे बदल जाती है? अच्छा ठीक है, चलेंगे शाम में, पर उससे पहले मुझे एक बात बता यार, ये शोएलेस में ऊपर क्या लगा होता है? अरे इसे अगलेट कहते हैं, ये शोएलेस में होना बहुत जरूरी है। पर क्यों? अगर ये शोएलेस में नहीं होगा तो इससे लेस के बार बार खुलने का खतरा रहेगा, और शोएलेस के एंड के हिस्से भी खराब होने लगेंगे। ओ अच्छा, तो ये फैक्ट है। तो दोस्तों, ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और इस वीडियो को लाइक एंड अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।